पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाइयां, और सावित्री माता सबके साथ अच्छा करे। मेरे पति की उम्र बहुत लंबी हो, आपके पति की उम्र भी बहुत लंबी हो। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज है बरगद पूजा। तो बरगद पूजा में क्या होता है, अमावस्या होती है और ये होता है वट सावित्री का व्रत। तो कहते हैं कि इस दिन जो सावित्री माता थी वो यमराज से अपने पति के प्राण छीन के ले आई थी, तो उसी के उपलक्ष में सारी महिलाएं ये व्रत करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और इसमें बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। सबके यहाँ के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ के जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी देखो, इधर ये चने की दाल है और उसको छौंक दिया गया है, तो चने की दाल के पराठे बनते हैं, पूरन पोली जैसे होते हैं लेकिन पूरन पोली नहीं होते हैं। और फिर ये इधर आटा मैंने ये गूंथ के रख दिया है और मीठा आटा गुलगुला बनता है, तो जिसके लिए ये शरबत बना के रख लिया है मैंने। तो अभी फटाफट से इसको भी गूथ लेंगे। तो चलो तैयारी करते हैं और दिखाती हूँ कि क्या क्या बनता है और कैसे बनता है। और आपके यहाँ जो चीजें होती हूँ और मेरे यहाँ नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो भाई, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूजा की सारी सामग्री की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और सबसे पहले ये देखो, बना लिया है मैंने गुलगुले या फिर बरगद, जो भी आप बोलना चाहो। तो इसका बनाने का क्या होता है कि जैसे वो आटा अच्छे तरीके से गूंथ लेते हैं, मीठा आटा, जैसे पुआ का गूंथते हैं सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। तो फिर छोटे छोटे रसगुल्ले टाइप के बना लेते हैं और इनको ऐसे ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से तल लेते हैं। तो ये यहाँ पे मम्मी बनाती जा रही थी और मैं खड़े खड़े इसको सारी चीज़ें फ्राई करती जा रही थी। तो ये सारा जब पूजा की तैयारी हो जाती है तो हम लोग जाएंगे पूजा करने। और इस टाइम पे मैंने आधी तैयारी अपनी भी कर ली थी, जैसे मैंने बाल बांध दिए थे, मैंने पूरा मेकअप कर लिया था, बस अब मुझे साड़ी चेंज करके चले जाना था। तो इससे क्या होता है कि जब मैं पूजा की सारी तैयारी कर चुकी थी तो बस साड़ी चेंज किया और चली गई मैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। बस वो रंग लगाना था महावर, तो उसको लगाने के बाद बस तुरंत फटाफट चले गए थे। तो यहाँ पे बरगद सारे बन गए, उसके बाद पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और कुछ दाल वाली पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो उनकी भी तैयारी मैंने कर दी थी। तो आधी तैयारी कर दी थी और आधी लौट के आएंगे तो फिर बनाएंगे, क्योंकि अभी ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो उनको पूड़ियाँ नहीं बनाई थी, बाकी सारी चीज़ें मैंने बाद में बनाई थी। तो ये कुछ इतना सामान पूजा वाला जो होता है वो मैंने बना के फटाफट से प्रिपेयर कर लिया था। और फिर उसके बाद देखो, ये साड़ी मैंने पहन ली और तैयार हो गई, तो कुछ ऐसा लुक था मेरा। और पता नहीं क्यों आजकल मुझे, मैं थोड़ा सा कुछ उदास सा फील हो रहा था मुझे, तो जिसके चलते खैर चलो। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई और यहाँ पे जो भी सारा प्रोसेस होता है उसको करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जैसे बैठ जाते हैं ना तो जितनी भी पूजा की सामान होती है वो चढ़ाने से पहले एक कच्चा धागा होता है, तो उसको सूत बोलते हैं, और उसको ना चारों तरफ से लपेट देते हैं। फिर उसके बाद में जो भी सामान होता है सब चढ़ाने वढ़ाने वाला वो चढ़ा दिया जाता है,
और ये सिंदूर और पूजा मतलब जितना भी सुहाग का सामान होता है वो सब चढ़ा के फिर उसके बाद 12 बार चने गिन लिए जाते हैं। और वो चने उबले वाले चने होते हैं, तो फिर उनके बाद 12 बार पूरा इसको राउंड राउंड घूमते हैं और फिर सुहाग लेके पूजा का प्रोसेस होता है। तो अभी पूजा करके आ चुकी हूँ और ये वाला माला पहनते हैं हमारे यहाँ, तो इसको 12 दिन पहन के रखना होता है। तो अब जब 12 दिन के बाद अच्छा दिन आएगा, मतलब जैसे 12 दिन मान लो आज 12 दिन हो गया, लेकिन आज मंगलवार है तो मंगलवार को नहीं उतार सकते, शनिवार को नहीं उतार सकते, अगर शुक्रवार, बृहस्पतिवार और शायद बुधवार, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैं मम्मी से पूछती हूँ ये सारी चीज़ें, तो अच्छा दिन जब पड़ता है तब मैं उतार मतलब इसको तब हम लोग निकाल देते हैं। और हम लोग कूंच में रखते हैं कुछ चीज़ें, तो देखो ये चीज़ें कोच में रखते हैं और इनको हमें ही ख़त्म करना होता है, मतलब इनको हम बांट नहीं सकते हैं। तो अभी इनको फिनिश करेंगे ये, और ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। तो इस पूजा में सबसे टफ जो होता है उसमें होता है कि वो जो चने और डंठल जो निगलना होता है खड़ा, वो बहुत टफ लगता है मुझे, और मुझे हर बार डर लगता है कहीं अटक ना जाए, लेकिन भगवान की दया से हर बार वो पार हो जाता है। तो फिर उसके बाद सब्जी बनाएंगे, और सब्जी कैसे बनाती हूँ कद्दू की ये आपको दिखाती हूँ। तो सरसों का तेल लिया, उसमें सबसे पहले जीरा, हींग और मेथी दाना का तड़का लगाया, फिर उसके बाद प्याज और मिर्ची से छौंक दिया ऐसे बिल्कुल सिंपल सा। फिर अभी हल्दी मैंने नहीं डाली थी, तो हल्दी और गरम मसाले मैं बाद में डालूंगी अभी इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ी देर जब फ्राई हो जाता है तो उसके बाद मैं हल्दी डालती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, वैसे उसका टेस्ट अच्छा लग जाता है। और ये बिल्कुल ना समझना कि हल्दी पकेगी नहीं, हल्दी बड़ी जल्दी पक जाती है तो, और खाने में टेस्ट भी आता है। तो एक बार अगर आप चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो। मैं हालांकि कभी कभी तेल में भी डाल के बनाती हूँ हल्दी, और कभी कभी ऐसे ऊपर डाल के, तो मुझे दोनों तरह से पसंद है। और मैं दोनों कुछ कुछ चीज़ें ना, मैं दोनों चीज़ें, कई कई चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो आप भी अगर चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फिर देखो तवा मैं अभी मैंने धुला नहीं था, जो मैं सुबह मतलब जिसमें मैं बना के गई थी पराठे कुछ, तो फिर उसको मैंने ढक के रख दिया था, और फिर जब वहाँ से आई तो फिर से दाल वाले पराठे फटाफट से बना दिए। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है, जो दाल पीस के तैयार की जाती है वही इसमें भर के और फिर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेंक लिया जाता है। वो आप पे पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप क्रिस्पी सेंकते हो या फिर आप मुलायम अच्छे से, जैसे मतलब जैसे आपको पसंद हो। तो हम लोग कुछ ऐसा सेक लेते हैं और फिर उसके बाद खाने के लिए तैयारी हो जाती है खाने की। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी ये वाले पराठे बनते हैं तो इसके साथ कद्दू की सब्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और कद्दू की सब्जी फिर बनना ही बनना होता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, आपके यहाँ होता है या नहीं हम आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे यहाँ तो पक्का इस ये वाले पराठों के साथ कद्दू बनता ही बनता है। तो ये कुछ ऐसी रही मेरी थाली, और इसे में मैंने ज्ञानू को दिया था, फिर उसका जो खाना बच गया था उसके साथ बस मैंने पराठे और थोड़ी सी चटनी लिया और छाछ ले लिया, और फिर उसको फिनिश करेंगे। तो बस कुछ ऐसा था आज का मेरा खाना, और आपने क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए ना तो लाइक शेयर कर देना चैनल पे, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड बाय बाय, टेक केयर।